जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वेलकम बैक। असाइनमेंट हम लोगों की तकरीबन चेक हो गई है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की है, ठीक है, कि आपको जो है वो विनिंग प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है, फॉर पीएल, ठीक है। अच्छा जी, काइंडली अगर आप दोनों में से मुझे कोई बता सके कि ये जो विनिंग प्रोडक्ट है वो कितना काम करने के बाद आपको मिली है, क्या ये फर्स्ट प्रोडक्ट ही आपको मिल गई या कुछ आपने क्या किस तरह से आपको मिली, कितना टाइम लगा इसको? सर, मुझे तो ये उसी दिन जिस दिन लेक्चर वाइंड अप हुआ था उसके बाद से मैंने वर्किंग की थी और उसी रात मैंने असाइनमेंट सबमिट करवा दी जबरदस्त, ठीक हो गया। थी। जी सर, मैंने भी उसी दिन फिर जो है वो लेक्चर को दोबारा देखते हुए जो है वो फाइंड कर लिया था। आधा घंटा पौना घंटा लगा था। जबरदस्त, ठीक हो गया। ओके, अच्छा जी, ये तो आपका एक मेथड हुआ, ठीक है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप बाय चांस आपने अगर एक अच्छी प्रोडक्ट निकाल दी है तो ये आपका लक है, ठीक है। आपको मजीद आइडियाज चाहिए होंगे, ठीक है, आपको मजीद टेक्निक्स आनी चाहिए जिससे आप प्रोडक्ट्स निकाल सकें, ठीक है। कुछ इसमें से ऐसे मेथड हैं जो कि आपके जो जो पहले से वीए का कोर्स कर गए हैं उनके पास वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, उनको पता है, तो आप डिफरेंट मेथड आप इस्तेमाल आपको करने आने चाहिए और आप ज़रूर करें, ठीक हो गया। तो उनमें से एक मेथड तो आपने प्रोडक्ट फाइंडर हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स सीखा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एक और आइडिया आपसे आपके साथ शेयर करूंगा। अब आपने यहाँ पर आके लिखा फ्राइंग पैन, ठीक हो गया, जरा ये देखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक रो। अच्छा जी, ओके, ये इस पर हुई भी है तो मैं इसको पहले अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, ये इस वजह से आई है क्योंकि यहाँ पर ये चीज हुई भी है, ठीक है। मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ तो उसके बाद देखिएगा, ये एक्सटेंशन इसमें जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल थी, इस वजह से इस तरह से इसका इंटरफेस आ गया, अदरवाइज इस तरह नहीं आएगा। आप यहाँ पर कुछ भी कीवर्ड लिखेंगे तो आप जस्ट इसको अगर यहाँ कीवर्ड लिखने की कोशिश ही करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको कंप्लीट होने दूँ जल्दी थोड़ा सा हो जाए तो, अच्छा फॉर एग्जांपल FRY, ठीक है, अच्छा वो कंप्लीट नहीं हुआ है इस वजह से नीचे कुछ सजेशंस नहीं आ रही हैं। ये देखें, आपके पास सिर्फ ये वाली सजेशन आएगी, ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे ना क्योंकि अभी आपने कोई एक्सटेंशन नहीं इसमें डाउनलोड की है, ठीक है, इस वजह से। अगर आपका लैपटॉप ओपन है तो आप इसको करके देखिएगा, ये सिर्फ इतना ही ये बॉक्स ही ओपन होता है, इसके अलावा ये जो पहले जो आ रही थी विंडो, इस तरह से इसका इंटरफेस था, अब वो नहीं आ रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के लिए गूगल पर आएंगे, गूगल पर आके आप लिखेंगे AMZ, ठीक है, AMZ सजेशन एक्सपेंडर, ठीक हो गया, AMZ, ठीक हो गया, सजेशन एक्सपेंडर, एंटर। उसके बाद इसका जो डोमेन नेम है ये लिखा हुआ क्रोम Google.com, ठीक है, ये डोमेन, इसी को आपने जो है वो वन टाइम क्लिक करना है, ये बेसिकली आपकी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशंस, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये रिमूव लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने इसको अपना ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, मैं इसको अगर यहाँ पर आपको करके दिखाऊं ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ, वही आप गूगल पर गए, गूगल पर जाने के बाद आपने लिखा सजेशन एक्सपेंडर, उसको आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो इस तरह से यहाँ पर एक्सटेंशन में आ जाएगा, ये आपको इस तरह से दिखेगा इंटरफेस कि ऐड टू क्रोम, ठीक है जी, इसको बोले यस ऐड करें, ठीक है, ये आपसे विंडो पॉपअप होगी, मैसेज पूछेगा जी आपको इसको करना है डाउनलोड करना है, आप कहें यस, ठीक है, यस करेंगे, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड हो गई, डाउनलोड होने के बाद इस तरह से आपको मैसेज आएगा, ठीक है, ऑटो ये चलेगा, अब ये कहेगा कि प्लीज रिफ्रेश करें, हाँ जी बिल्कुल रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, ये देखिए हमने रिफ्रेश कर लिया, उसको वापस को बंद कर दिया,
बंद करने के बाद ये जो लीफ का बटन है ना, ये वाला, इसको एक मरतबा क्लिक करें। ये बेसिकली एक्सटेंशंस के लिए होता है, जो आप एक्सटेंशंस इस पे करते हैं, अपना डाउनलोड करते हैं, वो यहाँ पर आ जाती हैं। जिसको आपने रन करना होता है उसको ब्लू कर देते हैं, ठीक है, पिन कर देते हैं, और जिसको यूज नहीं करना होता आप उसको अनपिन कर देते हैं, ठीक है। अब आपने AMZ सजेशन एक्सपेंडर आपने ये इस्तेमाल करना है, तो आप यहाँ पर पिन कर देंगे, इसको ब्लू कर देंगे, ठीक है। अब पिन करने का क्या फायदा हुआ, जरा हम यहाँ पे आके देखते हैं, ठीक है। वापस आते हैं, यहाँ पर आके पिन कर देते हैं इसको, AMZ सजेशन एक्सपेंडर, इसको पिन किया, हाँ, आपके पास मजीद आइडियाज लेकर आ गया सिर्फ पिन करने से, ठीक हो गया। अच्छा, बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है, बात यहाँ से थोड़ा सा, एक मिनट में इसको कंप्लीट होने दें। ये तो मैंने पूरा कीवर्ड लिख लिया ना, फॉर एग्जाम्पल आपने आपने काम कर करके आप थक गए हैं, आपको कीवर्ड ही नहीं समझ में आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा, तो फिर आप इससे हेल्प लेंगे, ठीक है। एक्सपेंडर आपने किया, ठीक है, उसको पिन कर दिया। पिन करने के बाद गूगल के इंटरफेस पे आ जाए, ये बायर साइट पे, ठीक है। अभी इसको मैं बंद कर देता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं ओनली पी। अब पी से रिलेटेड जितनी भी सजेशन देनी होगी अमेजोन मुझे दे रहा है कि सर क्या आप पावर बैंक की बात कर रहे हैं, हाँ ये देखें, पिलो की बात कर रहे हैं, पेपर की बात कर रहे हैं, PS5 की बात कर रहे हैं, पिज्जा ओवन की बात कर रहे हैं, ये सारी आपकी आ गई, ठीक है। अब पहले आपके पास कीवर्ड नहीं था, ठीक है, अब आपके पास, आपने जस्ट पी लिखा है, ठीक है, आई कर दें इसको आगे, वो बता देगा आपको कि भाई क्या आप ये लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, सजेशन आपके पास आएंगी, ठीक है। पिज्जा कटर पे चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कीवर्ड यहां से भी डायरेक्ट मिल गया, और अब डायरेक्ट आप यहां से इसकी जो एक्सटेंशन है वो रन करके या नहीं है, ठीक है। मैं इसको हीलियम 10 को थोड़ा सा ओपन करके यहाँ पे अपने पास लॉग इन कर लेता हूँ, लॉग इन हो गया। ठीक हो गया, अच्छा जी, ये देखें इसको कंप्लीट होने दे। ये आपको कितनी जल्दी ये आइडिया मिला, ठीक है। अच्छा जी, एक ये तरीका हो गया सजेशन एक्सपेंडर का, ठीक है। अब इसके ऊपर आप जो है वो अपनी एक्सरे शीट रन कर लीजिए और देख लीजिए आपके ये जितना फागे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर ये एक्सरे शीट रन नहीं करते हैं क्योंकि आपको एक और चीज समझानी है, ठीक है। अब आप हीलियम 10 में दोबारा आ जाएं, हीलियम 10 का ये वाला ओपन कर लेते हैं, अब मजीद आइडियाज आपको चाहिए, ठीक है। होलसेल में आप लोगों को, जो होलसेल के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता होगा कि इन्होंने मजीद जो है वो आइडियाज होलसेल में भी सीखे हैं, लेकिन पीएल वाले स्टूडेंट आप लोगों के लिए भी खास तौर पे आज बताया जा रहा है, ठीक है। होलसेल वालों को तो पता होगा मैग्नेट का, ठीक है, मैग्नेट एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक सजेशन देने वाला ये टूल है, ठीक है। मैग्नेट में आके अगर आपके पास कोई भी वो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कीवर्ड है आपके पास पिन, ठीक है, अब यहां पर आपके पास सजेशंस भी आ रही हैं, ठीक है, ठीक है, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। गेट कीवर्ड करें, जरा मार्केट प्लेस को प्लीज वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए आपके पास अब बहुत सारे और आइडियाज आ गए, ठीक हो गया। ये देखिए ये क्या है, इसको अगर आप ओपन करना चाहें यहां से ओपन करके इसको चेक करें ये क्या है, किस तरह है, ठीक है। अगर कुछ प्रोडक्ट समझ आती है इसमें, लेकिन इसका मेन कीवर्ड ये नहीं है, देखिए मल्टी चीजें इसमें आ रही हैं, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और इसका सही वाला कीवर्ड आपने लेना होगा। जैसे ये है,
पिन बोर्ड, ठीक है। इसका भी फिर आपने क्या करना पड़ेगा, इसका एक आधा आपने जो है वो लिस्टिंग ओपन करनी है, ठीक है। लिस्टिंग ओपन करने के बाद सेम वही प्रोसेस आप करेंगे, एससीएन नंबर इसका उठाएंगे आप, ठीक है। एससीएन नंबर कॉपी करके फिर आप चले जाएंगे हीलियम 10 में, ठीक है। हीलियम 10 में कहाँ जाएंगे आप जाएंगे सेरिब्रो में, ठीक है। सेरिब्रो में जाके इसी का आप मेन कीवर्ड लेकर आएंगे, ठीक है। जैसे ही आपको मेन कीवर्ड मिल जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, वापस अमेजोन के पेज पे आके, ठीक है, और यहाँ पर वो मेन कीवर्ड जो है वो आप आके पेस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आके कि आपको एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढनी है, ठीक है। एक मिल जाती है तो अच्छी बात है, दूसरी ढूंढो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो बाय चांस आपको जल्दी मिल गई हो, और इतनी सारी प्रोडक्ट्स आपके पास होंगी तो मंथ एंड में आपको आपके लिए सारी जो है वो काम आएंगी, ठीक है। जब आपका क्लाइंट कोई आपसे पूछेगा भाई कोई आपके पास प्रोडक्ट है, तो आप उसको अपने ये प्रोडक्ट के स्टेट्स दिखा सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इस छोटे से प्रोसेस में कोई आपको कंफ्यूजन? चलिए जी, मेरे ख्याल से डॉक्टर साइमा ही हमारे साथ हैं और इन्होंने होलसेल पढ़ा है, तो इनको ये मैग्नेट तो अच्छे से इस्तेमाल करना आता है, ठीक है। बाकी सजेशन एक्सपेंडर आपके लिए न्यू है, ठीक है। तो आप अगर जिन स्टूडेंट ने प्रोडक्ट निकाली है और उनकी अच्छी प्रोडक्ट है, वो कल जो है वो दूसरी प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। और जो नहीं निकाल सके हैं, ठीक है, वो बिल्कुल अच्छी प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट निकाल कर आएंगे। सजेशन एक्सपेंडर की भी मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है, ये वाला मैग्नेट, ठीक है, इसको भी यूजेज का मुझे इस्तेमाल का मुझे चाहिए स्क्रीनशॉट। इसमें जो मिसिंग होते हैं उसको आप किस तरह से डेटा को लेकर आएंगे, जो आज आपने सीखा था, ठीक है। और कोशिश करें कि आपको अच्छी प्रोडक्ट मिले, जैसे आज काफी स्टूडेंट ने अच्छी प्रोडक्ट्स निकाली, आप भी इस तरह से अच्छी प्रोडक्ट निकाल कर आए, ठीक हो गया। चलिए जी, आज के लिए सर, इतना, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करें। अब जो न्यू प्रोडक्ट और फाइंड आउट करनी है वो उसी वे से या ये जो आज बताए हैं उनसे करनी है? आज आपने दूसरी प्रोडक्ट निकालनी, क्योंकि आपकी माशाल्लाह अच्छी प्रोडक्ट थी, ठीक जी है, सर, उसको इसी हम, वे से, उसी वे से या इस तरह से मैग्नेट और सेल प्रो जी जी आपको हाँ, इस तरह लिखनी से है? आपने दूसरी प्रोडक्ट निकाली है, और जो आपने निकाली है प्रोडक्ट उसको हम फर्दर आगे नेक्स्ट लेक्चर में उठाएंगे, उसको फर्दर देखेंगे कि वो वाकई अच्छी प्रोडक्ट है, विनिंग प्रोडक्ट है, आगे भी उसके स्टेट सही है या नहीं, ठीक हो गया। ओके चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर टू ऑल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।